पिछली वीडियो में हमने मेरे कुछ ओपिनियंस के बारे में बात करी थी अबाउट घोस्ट्स इफ दे रियली लिव अमंग अस और नॉट एंड आई होप उस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस भी बना लिए होंगे रिगार्डिंग द सेम। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी एंड देखना चाहते हो तो आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करके ऐसा जरूर कर सकते हो, लेकिन वीडियो के बाद भी देख सकते हो, दोनों वीडियोस कनेक्टेड नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे टीवी प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिसके मोस्टली व्यूअर्स बच्चे थे एंड जब उन बच्चों ने उस प्रोग्राम को देखना शुरू किया उन्हें PTSD का सामना शुरू करना पड़ गया था। लोगों के घर में सिर्फ वो शो देखने से ही काफी ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो गई थी। लोगों ने उस शो के लाइव कास्ट के दौरान उन्हें कॉल करके ये भी बताया कि उन्हें एक ब्लैक फिगर दिख रही है काफी सारे सीन्स में जो कि नेक्स्ट फ्रेम में गायब हो जा रही थी। एंड सबसे सीरियस घटना, इस शो को देखते वक्त एक बच्चे का ऐसा खतरनाक माइंड वॉश हो जाता है जिसकी वजह से वो इस शो के एयर होने के बाद अपनी जान दे देता है। और इतना ही नहीं, इस शो के पहले एपिसोड के एयर होने के बाद ही इस शो को बैन करना पड़ गया था बिकॉज ऑफ द कंप्लेनिंग्स दैट पीपल वर गिविंग अबाउट द थिंग्स जो मैंने आपको अभी ऊपर बता दी हैं शॉर्ट के अंदर। लेकिन स्टोरी यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी आपको और भी बहुत ज्यादा क्रीपी एंड अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ। बाय द वे, इस शो के बारे में मैं आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा वीडियो के एंड में जो आपके होश उड़ा देगा, लेकिन वो फैक्ट आपके लिए वैल्यूएबल तभी होगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे। सो मेक श्योर यू डोंट मिस ऑल द फन। इस शो को कहा जाता था घोस्ट वॉच, जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने के बाद BBC ने टेलीकास्ट किया था सबकी टीवी स्क्रीन्स पर 1992 के हैलोवीन के ओकेजन पर। करीब 11 मिलियन लोग लाइव इस शो को देखने वाले थे एंड बीबीसी वालों ने इस नंबर को कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। इस शो की सबसे ज्यादा खास और अमेजिंग एंड एंगेजिंग बात यह थी कि आप इसके अंदर लाइव कॉल कर सकते थे एंड अपने पैरानॉर्मल एंड स्केरी एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते थे। एंड इतना ही नहीं, इस शो को 90s के दौरान माइकल पार्किंसन नाम के एक ब्रॉडकास्टर जो है होस्ट करने वाले थे, जो उस समय के मोस्ट ट्रस्टेड, रिस्पेक्टेड एंड वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास माने जाते थे, और उनकी वजह से इस शो की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई थी काफी सारे लोगों के लिए। खैर, हैलोवीन के दिन पर 9:25 पर ये लाइव जाना था एंड सभी पेरेंट्स एंड सभी बच्चे इस शो का वेट कर रहे थे। एंड जैसे ही ये शो लाइव गया तो काफी सारे लोगों के कॉल्स भी आना शुरू हो गए। अराउंड 20,000 से 30,000 लोगों ने एक साथ ही कॉल कर दिया। 15-20 तक एयर होने के बाद लोगों ने इनको फोन करके ये बताया कि आपके शो के थ्रू हमारे घर में डेमोनिक कर्स पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से उनके घर में शो देखते वक्त ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई थी। एंड काफी सारे पेरेंट्स के बच्चे काफी ट्रॉमेटाइज भी हो गए थे वो सब देखकर। एंड ये सब घटनाएं सिर्फ उनके व्यूअर्स के साथ ही नहीं हो रही थी। घोस्ट वॉच के प्रोड्यूसर रूथ बोगार्टन जब अपने क्रू के पास लाइव टेलीकास्टिंग की रिपोर्ट लेने जाते हैं तब उनके क्रू ने बताया कि उनका चेहरा इतना ज्यादा पेल एंड व्हाइट नजर आ रहा था मानो जैसे उनके चेहरे तक खून का दौरा पहुंच ही ना रहा हो। खैर, वो सब चीजें इग्नोर करके रूथ ने अपने क्रू को बताया कि टेलीफोन स्विच बोर्ड कंप्लीटली जैम हो चुका है जिसकी वजह से लोग शो के अंदर कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवेंचुअली पीपल वर गेटिंग एंग्री बिकॉज ऑफ दिस एंड उनकी लाइव व्यूअर वॉचिंग भी कम होना शुरू हो गई। लेकिन आज तक ये नहीं समझ आया कि उस टेलीफोन स्विच बोर्ड के जैमिंग के पीछे का मेन कारण क्या था, क्योंकि आज तक कोई भी वैल्यूएबल प्रॉब्लम सामने आ ही नहीं। खैर, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कहानी पर ही नहीं फोकस करने वाले, हम इस वीडियो के अंदर साथ साथ में घोस्ट वॉच की कुछ क्रीपी एंड अमेजिंग फुटेजेस को भी देखेंगे जो बीबीसी ने घोस्ट वॉच की 10th एनिवर्सरी पर शेयर करी थी थ्रू DVDs। घोस्ट वॉच के अंदर नॉर्थ वेस्ट लंदन की एक पूरी फैमिली को फीचर करा गया था जिसके अंदर एक मदर एंड उनकी दो बेटियां फीचर्ड थी। एंड उस शो की ऑन साइड कैमरा इक्विपमेंट्स की देखभाल सारा ग्रीन्स एंड क्रेग चार्ल्स नाम के बंदे संभाल रहे थे। घोस्ट वॉच को एज अ रियल डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में टेलीकास्ट करा जा रहा था टू गिव इट अ मोर रियल एंड क्रीपी वाइब।
एंड दरअसल उनका ये प्लान काफी ज्यादा काम भी कर रहा था। शो के लाइव जाने के बाद सबसे पहले एक बेडरूम सीन को वो लोग दिखाते हैं, जिसके अंदर जब उनकी दोनों बेटियां जैसे ही सो जाती हैं और अपना लैंप ऑफ करती हैं, तो लोगों के भारी मात्रा में कॉल जाना शुरू हो जाते हैं कि उनके लैंप के ऑफ करते ही कर्टन साइड की तरफ एक फिगर को उन्होंने स्पॉट करा है, एंड हजारों अलग अलग लोगों ने कॉल किया विद द सेम डिस्क्रिप्शन। बट द फन पार्ट इज की 11 मिलियन लोगों के आगे फ्रेम बाय फ्रेम रिव्यू करने के बावजूद उन्हें उसी सेम सीन के दौरान कोई भी वहां पर नहीं देखने को मिला जिसके बारे में लोग बता रहे थे। Emma, hello. Oh, hello. Yeah. I did have a story, but there's actually something else I'd like to say to Dr. Pascoe. You know, at the beginning, when you showed the real footage of that haunted bedroom, but I was sure I could see a figure standing behind against the wall just by the curtain. I've got 8 or 9 phone calls here, which are like Emma Stapleford's we had earlier on. They too have seen a mysterious dark figure. Dark, mysterious figure, Doctor. Have we got that sequence ready yet? Right. Now, this is the point where Emma Stapleford, our caller, says she could identify that dark, mysterious figure. जब घोस्ट वॉच के ऑन साइट होस्ट भी इस फैमिली की सिचुएशन पर अपडेट लेने उनके नेबर्स की तरफ जाते हैं, तो उनके नेबर्स भी इस फैमिली के ऊपर उन्हें एक ऐसी अमेजिंग चीज बताती है जो सारे व्यूअर्स के होश उड़ा देती है। एंड उनके नेबर्स भी ये कंफर्म करते हैं कि इस फैमिली के अंदर ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर मौजूद है जो ह्यूमनली सॉल्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनके नेबर्स ने ये तक भी बताया था कि उन्होंने ये नोटिस किया था कि उनके घर में से काफी ज्यादा लाउड बैंगिंग साउंड्स आ रही है, एंड उनकी विंडोज को किसी ने बुरी तरह स्मैश आउट कर दिया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि रिसेंटली एक ब्लैक लैब्राडोर डॉग जो काफी हेल्दी था एंड इनके घर के आसपास ही रहता होता था, उसकी भी हत्या किसी ने कर दी है। एंड ऑब्वियसली ऐसा कोई भी मोहल्ले वाला कभी भी नहीं करेगा। एंड उनके इलाके के आसपास कोई जंगली जानवर भी नहीं रहते थे। Well, we live opposite Pam at number 43, and one night, ages ago now, we had all this banging. So we went to the front door, and it was obvious it was coming from Pam's house. So what did you see? Well, the top window was smashed, and Pam and Kimmy were in the garden crying. It's not very funny. I mean, some really weird and horrible things happen around here. But what kind of weird things? Well, there was that wee girl that went missing. What? Judy Welland. Judy Welland. My youngest son, Gary, came running into the house in a real state, so... When I calmed him down, it seemed that they'd been playing in here and they'd found this dead black Labrador. And how had it died? Well, it'd been cut open. That's on the butcher's shop. गोस्ट वॉच को और भी ज्यादा अमेजिंग एंड क्रीपी बनाने के लिए लाइव को होस्ट ने एक ऑडियो टाइम लैप्स को भी प्ले किया सबके सामने, जो उनके घर में शो के एयर होने से पिछली रात की थी। एंड वो वाजे किस चीज की थी ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो वाजे सुनने के बाद पेरेंट्स ने फटाफट उस शो में कॉल घुमा दिया कि तुम ये सब चीजें क्यों दिखा रहे हो, वैसे ही हमारे बच्चों की फटी पड़ी है। What's your name? Grumpy. Jesus Christ, are you joking? Grumpy. Are you dead? Are you in heaven? वेल, चीजें तो यहाँ से सिर्फ थोड़ी बहुत ही एस्केलेट होने वाली थी, क्योंकि अभी भी इस शो ने हमें काफी सारे सरप्राइजेस देने बाकी हैं, जो न जाने कितने बच्चों के लिए आगे नाइटमेयर फ्यूल का काम कर चुकी होंगी उस वक्त में। नॉर्थ वेस्ट लंदन के उस घर की ऑनर एंड उन दोनों बेटियों की मदर अपनी छोटी बेटी के बारे में एक अमेजिंग एंड शॉकिंग ट्रुथ शेयर करने लगती है ऑडियंस के साथ, एंड वो बताती है की पाइप्स नाम की एक भूत, एक घोस्ट उनकी बेटी को हॉन्ट कर रही है। एंड अगर उनकी छोटी बेटी पाइप्स की बात नहीं मानती और उसके कमांड फॉलो नहीं करती, तो वो उनकी बेटी को वश में कर लेती है, एंड उसके बाद उनकी बेटी काफी ज्यादा हार्मफुल चीजें करना शुरू कर देती है। एंड इवन वर्स, पाइप्स नाम की वो घोस्ट उनकी छोटी बेटी को भी कंट्रोल करना शुरू कर देती है, एंड यहां तक तो उसके ऊपर जानलेवा हमला करना भी शुरू कर देती है। स्केरियस्ट पार्ट इज, ऐसा ही कुछ इंसिडेंट लाइव टेलीकास्टिंग के दौरान भी इनके घर में घटित हो जाता है, एंड इसके अलावा भी काफी कुछ इनके घर में हुआ था जो डेफिनेटली वर्थ शेयरिंग है। There are incredible noises coming from the walls and from the ceiling. Kimmy, Kim, why don't you do something?
Susie. Stop it! Stop it, Susie! Suzanne, you're coming with me. Suzanne! You're coming, Suzanne! Listen to me, Susie! Susie! Can you hear me? Suzanne, do you hear me? Yes. Yes, get out. Get out if you don't want to be here. I don't care. You just mess things up. You mess everything up. I hate you. वेल कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती एंड गोस्ट वॉच के टेलीफोन पर एक कम्प्लीटली रैंडम एंड अननोन पर्सन का कॉल आता है एंड वो बोल्ड क्लेम करता है कि जिस स्केरी फिगर के बारे में लोग तब से बात कर रहे हैं एंड जो फिगर उस घर को हॉन्ट कर रही है वो उसके बारे में सारी डिटेल्स जानता है एंड उसने ये भी बोला कि अगर उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो वो डेफिनेटली अपने दोस्त को कहकर कुछ ऐसे सबूत भी दिखा सकता है जो लेटर उन काफी ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं उनके क्रू के लिए एंड उस फैमिली के लिए. I worked as a social worker when he came out to psychiatric hospital. He had several convictions for molestation, aggravated abuse, abduction of minors. He was a very disturbed man, in my opinion. He took his own life. That's why I called. When I was sitting here watching the TV, did he where he kept his tools? Under the stairs. It was 12 days before anybody found him. They heard the cat screaming. The cats were locked in, of course. And of course, 12 days. They got hungry. They got to work. And on his face. इस फोन के कट होते ही घोस्ट वॉच की लाइव को होस्ट एक काफी ज्यादा अमेजिंग चीज को नोटिस करती हैं, जो लंदन के उस अपार्टमेंट में से लाइव टेलीकास्ट हो रही थी. वो अपने व्यूअर्स को एक कंसर्निंग आवाज में बताती हैं कि ये जो फुटेज अभी यहाँ पर प्ले हो रही है ये एक टेस्ट फुटेज है जो इस शो के एयर होने से पिछले दिन की है एंड ये अभी लाइव नहीं चल रहा है. एंड उसके बाद एक काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड अमेजिंग एंड क्रीपी चीज हो जाती है जो डेफिनेटली आप लोगों को एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए. What? Look at the picture. Where? On the wall. The picture on the wall. What about the picture? Well, it's still there. It hasn't fallen. It's not come off the wall. This picture we're seeing now isn't live. This is some earlier footage from earlier in the evening. This is just a cover. It's a dupe. But this isn't happening now. But what is happening? It was what you wanted, wasn't it? We just gave you what you wanted. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Of course we're calling the shots anymore. We don't need to leave. Something really, really creepy takes over the show and becomes a showstopper. एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, उसने पूरा शो रोक डाला तो हुआ ना वो शो स्टॉपर. Chris, stay there. I'm gonna go and get help, all right? You've got to push it from the inside. It's hurting me. Come on. It's no good. Get off me! आई जेन्युइनली रिकमेंड कि आप घोस्ट वॉच को एक बार डाउनलोड करके या फिर खरीद कर जरूर देखना. एक ही एपिसोड है 1.5 घंटे का, लेकिन हॉरर फैंस के लिए एक बहुत ही क्रीपी अपॉर्चुनिटी है.
मैं ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर सारी फुटेज तो नहीं कवर कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, एंड कॉपीराइट का भी इशू रहता है, टेकडाउन्स का भी इशू रहता है, एंड आई होप वो तो आपको पता ही होगा। बट आई गारंटी 1992 का ये टीवी शो आज भी मोस्ट ऑफ द मॉडर्न जनरेशन हॉरर फिल्म से मच बेटर है एंड काफ़ी ज़्यादा डराने में सक्षम है किसी को भी। खैर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस शो के काफ़ी सारे व्यूवर्स ने PTSD, पैरानॉर्मल साइटिंग्स, घोस्ट साइटिंग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा को अपने घर में नोटिस करना शुरू कर दिया था, एंड आज भी इनमें से सारी बातें एकदम ट्रू हैं, एंड फोन कॉल्स रिकॉर्ड के अंदर उनकी डरी हुई आवाज आज भी कहीं मौजूद है। बट जो सबसे सीरियस घटना हुई थी वो हुई थी 18 साल के एक लड़के के साथ जिसका नाम था मार्टिन डेनहम, जिसने इस शो के एयर होने के बाद करीब 5 दिन बाद अपने घर के पास में एक पार्क के अंदर जाकर एक पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। और मार्टिन की डेड बॉडी के अंदर से एक नोट भी मिला जिसके अंदर लिखा हुआ था, इफ देयर आर घोस्ट देन आई विल बी विद यू ऑलवेज एज वन, मतलब अगर भूत होते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा लेकिन भूत की तरह। मार्टिन की दो बहनें भी थी जो उस रात उनके साथ उस शो को देख रही थी काफी ज्यादा ध्यान से, एंड मार्टिन की डेथ के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि मार्टिन उस रात घोस्ट वॉच को इतने ज्यादा ध्यान से एंड आंखें गड़ाकर देख रहा था कि उसने पूरे शो के खत्म होने तक एक बार भी अपनी गर्दन इधर उधर नहीं हिलाई, एंड उसने शायद एक बार भी अपनी पलक तक भी नहीं चपकाई। उसकी बहनों ने बताया कि वो काफी ज्यादा डर गई थी कि क्या सच में मार्टिन हिप्नोटाइज तो नहीं हो गया था। वेल, एंड इतना अच्छा नहीं था क्योंकि जैसे टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के अंदर डूब गया था वैसे ही घोस्ट वॉच अपना पहला शो एयर करने के बाद कंप्लीटली बंद हो गया था, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग घोस्ट वॉच द मोस्ट कर्स्ड टीवी प्रोग्राम एवर। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इस शो से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूं, सो नाउ इट्स टाइम फॉर दैट। दरअसल घोस्ट वॉच वॉज अ कंप्लीटली फिक्शनल शो, एंड जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा था वो रियल था ही नहीं। लेकिन शो के करीब 70-80% ऑडियंस को इस चीज के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रॉपरली शो के अंदर इस चीज का जिक्र ही नहीं किया। आपको याद होगा कि मैंने एक चीज और ऐड करी थी शो से रिलेटेड कि घोस्ट वॉच की सारी टेलीफोन लाइंस जैम हो गई थी, लेकिन उसमें इतनी खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो कोई भी शो के अंदर कॉल करता उसे सबसे पहले एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को मिलता जिसके अंदर ये क्लियरली बताया जाता था कि घोस्ट वॉच एक फिक्शनल शो है। लेकिन उस जैमिंग प्रॉब्लम के कारण ये कॉलर ट्यून प्ले ही नहीं हो रही थी एंड लोग डायरेक्ट कॉल लगा रहे थे शो के अंदर, एंड शो के एडवर्टाइजमेंट्स के दौरान तो थोड़ा बहुत मेंशन करा जा रहा था कि ये शो फिक्शनल होने वाला है, लेकिन शो के लाइव जाने के बाद इस चीज का कहीं पर भी मेंशन अच्छे से करा ही नहीं। अदरवाइज आई थिंक कि उस वक्त में इतनी ज्यादा बड़ी मिसकम्युनिकेशन ना होती शो और ऑडियंस के बीच में तो शायद आज भी घोस्ट वॉच के बारे में बातें हो रही होती। लेकिन एक चीज तो है जो आज तक कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया है कि इतने सारे लोगों ने शो के अंदर फोन करके ये बताया कि उनके शो के कारण उनके घर में डेमोनिक प्रेजेंस आ चुकी है एंड उन्हें पैरानॉर्मल एंड घोस्टली एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है जो उनके घर में कभी भी नहीं हुआ था, उसके पीछे का कारण क्या है वो आज तक किसी को भी नहीं पता है। क्या वो शो सच में बहुत ज्यादा कर्स था या फिर 20-30 हजार लोग फोन करके ये चीज बताना चाह रहे थे कि हम लोग एक झूठी कहानी बता रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड घोस्ट वॉच की अमेजिंग कहानी भी। क्या आप अपना मन बना पाए रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट या फिर अभी भी नै? खैर, आपका एक ओपिनियन तो मैं डेफिनेटली बेटर बना सकता हूँ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर देते हो, एंड आई प्रॉमिस कि हम फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे स्केरी एंड क्रीपी टॉपिक्स को माउंट करते रहेंगे। इस वीडियो को अपना कीमती टाइम देने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू। आप बस उस सब्सक्राइब के बटन को दबा देना याद से एंड बाकी चीजें आप मेरे पर छोड़ दो।